श्रुत पंचमी पर्व पर जो कविता प्राकृत भाषा में रची हुई है, आज हम उसका गायन कर लें। ये बात ठीक है कि हम भूतकाल को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो भविष्य को बदल दे। दर्शन पुष्पदंत भूतबलि की कथा को संक्षेप में इसमें लिया है। जदा अंग पुबाणम राणम, जदा अंग पुबाणम राणम, खीणम हो जात चणिहाणम, सोरठ देशे गिरियो जनते, दसे गि मुनि राय मुहाय। जदा अंग पुबाणम राणम, खीणम हो जात चणिहाणम, सुरठ देशे गिरियो जनते, दसे कि मुनि राय गुहाय। सो आय रियो धर सेनो ही सुदृढ़ानस्य सुरक्षम चिंतति, महिमणै रे मुनि सम्मेलने, पेषित पत पलम सोलह दे। दो मुनि धीरा गुण गंभीरा, पायण धारण कुशला वीरा, आगच्छन्ति तह पढ़मन्ति, परिख्यूण गुरु सिखन्ति। उद्भुदन्ति तह भूत बलि ते, रचन्ति छन्दागम गन्थे, दिब्झुणि सा सारं सोहि, जिनवाणि सा सेयं सोहि। जीव ठाणम खुद्दा बंदो, तदयो बंद सामित्त विचो, वेदना बगणा महबंदो, अति प्रसिद्धो छखंडागमो। केवलनान तरुस्स सुबीयम, जेठ सुख पंचमी समत्तम, सुद विसो सुद पंचमी पप्पो, भक्तिये भक्तिये उच्छव कायब्बो। उन्नीस पण रहे से, उन्नीस पण रहे इस विये, अश्चिम देव से सिद्ध मुहूर्ते, मुनि कुंजरो आदि सायरो, सोरी परे जादु पैठ दो, सोरी पदे जादु पैठ दो। इसका सारांश यही है कि जदा अंग पुब्बाणम राणम, जब अंग और पूर्वों का ज्ञान छीन हो गया, जो तत्व का निधान था वो शास्त्र समाप्त हो गए, तब सोरठ देश में उर्जंत पर्वत की गुफा में विराजे मुनिराज विचार करते हैं। वो आचार्य धर्सेन सोचते हैं कि श्रुत ज्ञान की रक्षा कैसे होगी। तभी महिमा नगरी के मुनि सम्मेलन में वो एक पत्र का फल प्राप्त करते हैं। सामने दो मुनिराज जो गुणों से गंभीर हैं, धीर वीर हैं, वाचन में धारण में कुशल हैं, आते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो गुरुदेव उन्हें शिक्षाएं देते हैं। वो पुष्पदंत और भूतबलि महान षटखंडा ग्रंथ की रचना करते हैं। षटखंडागम ग्रंथ दिव्य ध्वनि का सारांश है, जिनवाणी का शेष अंश है। इसके छह खंड हैं, जीवठाण, खुद्दाबंध, बंधसामित, वेदना, वर्गणा और महाबंध। ये छह खंड बहुत प्रसिद्ध हैं। ये केवल ज्ञान तरु का बीज है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ। ये श्रुत पंचमी द्रवस ही प्राकृत भाषा दिवस कहलाता है। हे भव्य जीवो, इस उत्सव को हमेशा करो। 1915 ईस्वी में इसी दिन श्रेष्ठ मुहूर्त में मुनि कुंजर आदि सागर जी सूर्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। केवल सात चौपाई में एक पूरी कथा गुंफित है
और हम सभी ने इस उत्सव को भली भांति मनाया। लेकिन जो कल उत्सव हो गया, अब हम उसे वापस नहीं ला सकते। जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे। जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे। जो तीर धनुष से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। जो समय चला जाता है, उसका पीछा करना बिल्कुल मुश्किल होता है, अब हो ही नहीं सकता। जिन लोगों ने जप जोगम का लाभ लिया, देखिए आप कैसा वो आनंद महसूस करते। जिन लोगों ने संबंधी शिक्षण शिविरों का लाभ लिया, उन लोगों ने भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं, अपने आप को एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किया है, और अभी भी उस दो चार दिन और अच्छे से उन कक्षाओं का लाभ लें। अतीत अतीत है, भविष्य भविष्य है, हम सिर्फ वर्तमान में अपने आप को ढालें। दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपने बीते हुए कल को बदल सके। इस सारी दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है जो अपने बीते हुए कल को बदल सके, और इस दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं है कि वो आने वाले कल को ना बदल सके। आने वाले कल को बदला जा सकता है वर्तमान में जी करके। आने वाले कल को हम आज वर्तमान में सम्यक प्रवृत्ति करके बदल सकते। लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मिलेगी तो सुख हो जाएगा, वो चीज़ मिलेगी तो सुख हो जाएगा, और सुख पाने के लिए परेशान रहते हैं। वास्तव में सुख पाना है तो सुख के साधन पाने के लिए परेशान मत रहो। हमने ये सोच लिया कि साधन इकट्ठे होंगे तो सुख होगा, वास्तविकता ये है कि साधन हो ना हो, तुम जब सुखी होना चाहो तभी सुखी हो सकते। आत्मा की इतनी स्वतंत्रता है कि कुछ भी पास ना हो तो भी तुम आनंदित और सुखी हो सकते। जिनके पास सब कुछ है वो भी आपको दुखी दिखेंगे, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो आपको सुखी दिख सकते हैं। सच कहें तो सुख दुख परिकल्पना में आप एक तरह की कल्पना करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। ये वस्तु मेरे पास नहीं है और उसके अभाव की कल्पना कर करके आप उसकी उपस्थिति में क्या सुख होने वाला है, और उसके न होने से आप परेशान हैं, और इस तरह की कल्पना कर करके आप दुखी होते हैं। जबकि कई लोग हैं जिनके पास वो चीजें नहीं हैं और वो सुखी हैं। इसका मतलब है केवल चीजों में सुख नहीं होता है, सुख आपकी आत्मा में है। आप अंतर्मुख हो जाओ तो इसी समय सुखी हो जाओगे। सौभाग्यशालियों, मूल देखो, सुख की जड़ कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। दुख की जड़ कहाँ है? तुम्हारी तृष्णा में। जितनी तृष्णा बढ़ेगी उतनी परेशानी बढ़ेगी। गजब की बात है, लोग सुखी होने के लिए दुखी हो रहे हैं, सुखी होने के लिए दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे भाई आज मेहनत कर लो, आज खूब संकट ढेर झेल लो, कल तुम अमुक संपत्ति पालोगे और सुखी हो जाओगे। जिन चीजों को पाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है, उनको पाने के बाद सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी? जिनके पाने में इतनी समस्या है, उनके आने के बाद क्या होगा बोलो? यानी विचार करो, जब तक मम्मी पापा के पास अकेले रहे तब तक थोड़े सुखी रहे, लेकिन एक कल्पना थी कि शादी होगी तो ज्यादा सुखी होएंगे।
और हाथ पांव पटके इधर उधर कैसे भी हो ही गई। जिनकी हो गई वो सुखी हैं, जिनकी श्रीमती आज उपस्थित नहीं है वो सिर हिला रहे हैं कि नहीं है, बाकी सब चुपचाप बैठे। अभी हाल घर जाके पूछा जाएगा ऐसा क्यों बोला था। देखा जाए तो संसार में ही सुख नहीं है। ये जरूर है कि अगर जोड़ा ठीक बैठ गया, विचारधारा ठीक बैठ गई और जीवन में धर्म का रुझान है तो एक तरह का संतुलन और शांति बनी रहती है और ये सद्गृहस्थ आश्रम का निर्वाह होता है। और अगर विचार भी ना मिले तो जितना बखेड़ा होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। हर समय अशांति, हर समय क्लेश, और कई बार तो बोल पड़ते हैं पता नहीं भगवान कौन से नक्षत्र में। श्रीमान जी बाजार से किसी चीज में धोखा खा के आ गए, श्रीमती ने कहा कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी सूरत देख करके ही तुम्हें कोई बुद्धू बना देगा। उसने कहा, बहुत धीरे से कहा, शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी। समझ में आ गया ना, तेरे को मुझे दे करके शुरुआत तो संसार में ऐसे ही चलता है। फिर भी वो सद्ग्रस्त सौभाग्यशाली हैं जिनके विचार मिलते हैं, जो हर हाल में एक दूसरे को समझ लेते हैं। बाकी क्लेश के अलावा और क्या हाथ लगता है? आपको मालूम होगा स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए। 56 साल की उम्र में स्टीव नाम सुना, जैसे आजकल नाम चलते अपने देश में चलते हैं ऐसे ही। और स्टीव जॉब्स के बारे में उनका लिखा हुआ एक पत्र उपलब्ध हुआ। मैंने अपने पत्र में लिखा, पूरा पत्र मेरे पास है जो उनने लिखा, मीडिया में चला गया। मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया हूं, दूसरों की नज़र में मेरा जीवन एक उपलब्धि है, हालांकि काम के अलावा मुझे कोई खुशी नहीं थी। बस काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, रुपए गिनो, इसके अलावा और कोई खुशी मुझे नहीं मिली। धन बस एक सच्चाई है जिसका मैं आदि हो गया। रुपए आ रहे हैं और उसका मैं आदि हो गया, तिजोरियां भरी जा रही हैं, लेकिन उसका सुख क्या होता है वो भी मुझे नहीं मालूम। इस क्षण में अस्पताल की बिस्तर पर लेटे हुए और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और धन पर मुझे इतना गर्व था वो मृत्यु के सामने फीका और महत्वहीन हो गया। धन का अंबार लगा दो, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, आप कितना भी दो लेकिन आपको बचाया नहीं जा सकता। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को काम पर रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को बीमारी सहने और मरने के लिए काम पर नहीं रख सकते। कितना कड़वा अनुभव है। अरबपति है, फेमस आदमी है, जब 10 अमीर लोगों के नाम छपते तो इसका भी एक नाम छपता रहा। आप कार चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों को रख सकते हैं, लेकिन बीमारी सहने के लिए, मरने के लिए कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज है